जैसे एस बीटा एस गाल, एस बीटा एस गाल। बीटा का अर्थ है करवा और गाल मतलब पीत, तो पीत जैसा करवा, पीत के समान करवा। एस ब्लैक एस कोल, एस ब्लैक एस कोल। ब्लैक मतलब काला और कोल मतलब कोयले, तो कोयले जैसा काला, कोयले जैसा काला। एज ब्लाइंड एज अ म्यूल, एज ब्लाइंड एज अ म्यूल। ब्लाइंड मतलब अंधा और म्यूल मतलब खच्चर, तो खच्चर जैसा अंधा, खच्चर जैसा अंधा। एज ब्लाइंड एज अ बी, एज ब्लाइंड एज अ बी। ब्लाइंड का अर्थ है कि हंसमुख, ठीक है, ब्लाइंड का अर्थ है हंसमुख। तो एज ब्लाइंड, ब्लाइंड एज बी, बी का अर्थ है कि मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का तरह हंसमुख, ठीक है, जो खुशी है मधुमक्खी इतना खुशी है वो। एज ब्रेव एज अ लायन, एज ब्रेव एज अ लायन। ब्रेव मतलब बहादुर और लायन मतलब शेर, तो शेर जैसा बहादुर, शेर जैसा बहादुर, शेर की तरह बहादुर, ठीक है। एज ब्राइट एज डे, एज ब्राइट एज डे। ब्राइट मतलब जो उज्जवल होता है वो है ब्राइट, और डे मतलब दिन, तो दिन के समान उज्जवल, दिन के समान उज्जवल। एज ब्राइट एज डे। एज ब्राइट एज सिल्वर, एज ब्राइट एज सिल्वर। ब्राइट का अर्थ है कि जो चमकीला, चमकाता है, तो वो है ब्राइट। तो एज ब्राइट मतलब जैसे चमकीला, एज सिल्वर, सिल्वर की जैसा मतलब चांदी की तरह चमकीला, ठीक है। एज ब्रिस्क एज बटरफ्लाई, एज ब्रिस्क एज अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का अर्थ है कि तितली, और ब्रिस्क का अर्थ है फुर्तीला, तितली की तरह फुर्तीला। तितली जितना खुशी होता है, खुश होता है ऐसे ही, तो एज ब्रिस्क एज बटरफ्लाई, तितली की तरह फुर्तीला। एज बिजी एज अ बी, एज बिजी एज अ बी। बिजी मतलब व्यस्त और बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी की तरह व्यस्त, मधुमक्खी की तरह व्यस्त, ठीक है। एज चीयरफुल एज अ लार्क, एज चीयरफुल एज अ लार्क। लार्क क्या है, लार्क एक टाइप का छोटा पक्षी, ठीक है, वो है लार्क। और केयरफुल, केयरफुल का अर्थ है कि वो बहुत खुश है, ठीक है, बहुत खुश है, हंसमुख है, बहुत खुश है, वो केयरफुल आनंदित है। तो एज केयरफुल मतलब आनंदित है एज अ लार्क, तो लार्क की तरह आनंदित है, लार्क की तरह हंसमुख, ठीक है। तो आज का जो इडियोमेटिक 10 इडियोमेटिक कंपैरिजन हमने डिस्कस किया है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।